चतरा में अफीम विनिष्टीकरण अभियान से लौट रहे पुलिस जवान और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई और इस दौरान मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए। वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची रेफर कर दिया गया। इधर दो जवानों के शहीद होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और मृत जवानों को लेकर अपना दुख प्रकट किया। सीएम चंपई सोरेन ने घायल जवान के स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। इसी बीच तस्वीरें चतरा से सामने आई है, जहां पुलिस लाइन में जवानों को अंतिम सलामी दी गई है, जहाँ डीजीपी आईजी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डीजीपी अजय कुमार सिंह दिख रहे हैं। ये जो चतरा में कल घटना घटी है, हमारे साथ के दो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीज़न होता है, ओपीएम का सीज़न होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे और ग्रुप बना करके गए हुए थे, और विनष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो ज़िले हैं, यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत दो वर्षों के दौरान जो है वो 100 से ज़्यादा, करीब 160 केसेस वहाँ पर दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे, और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले दो वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं, जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीज़न होता है ये कार्रवाई की जाती है। कल जो घटना हुई है तो बहुत दुख की बात है कि उनको खाली बिन हथियार के ड्यूटी पर भेज दिया गया है, और जो कि उन्होंने 4 दिन से जा रहे थे, उन लोग मना कर, उन लोग को इच्छा नहीं था कि हम जाए, और ज़बरदस्ती जबरन भेज दिया गया है। बस इसलिए हम लोग डीजीपी से ही मांग कर रहे हैं कि डीएसपी साहब को सस्पेंड चाहिए, थाना प्रभारी को सस्पेंड चाहिए, मुंशी को सस्पेंड चाहिए जो ड्यूटी भेजा है। पुलिस में कार्यरत है तो ड्यूटी तो करेंगे ना? नहीं, ड्यूटी करेंगे ठीक है, लेकिन सर वो हथियार के साथ ड्यूटी करेंगे। ये नहीं कि हम लाठी लेके कहीं जंगल में चले गए पास्ता पीटने के लिए। पास्ता पीटने के लिए सरकार को बहाल नहीं किया जाता है, 1 इंची सरकार कमी नहीं लेता है बॉडी का। अगर 1 इंच कभी कभी रहता है ना भर्ती के लिए, तो छाट दिया जाता है कि आपका शरीर में कमी है। बात ऐसा है कि हम लोग विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए वहाँ से भेजा गया था, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रशिक्षु अपने डायरेक्शन से यहाँ 25 किलोमीटर चतरा से घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में भेजकर उन लोग के साथ मिलजुल कर ये सारे हमारे भाई को जान लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सूर्यकांत कमल। सूर्यकांत, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर चतरा से तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर जो दोनों शहीद जवान हैं उनको अंतिम सलामी दी गई है। निश्चित तौर पर प्रभात, कल जो वशिष्ठ नगर और सदर थाना क्षेत्र के बैरियो जंगल में जो पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी, उसमें दो जवान, एक जवान जो वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र का थाना का में पदस्थापित था, सुकन राम, और दूसरा सिकंदर सिंह जो सदर थाना में पदस्थापित था, इन दोनों की शहादत हुई थी। और तीसरा जवान आकाश सिंह, जो कि सदर थाना का ही आरक्षी था, उसे गोली लगी थी, जिसे एयरलिफ्ट करके बेहतर इलाज के लिए ऑर्चिड रांची में भर्ती कराया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज तड़के सुबह सदर अस्पताल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सलामी दी गई है। प्रदेश के जो पुलिस के कप्तान मुखिया हैं, डीजीपी अजय सिंह और एडीजी संजय लाटकर हैं, एडीजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार हैं, और इसके अलावा सीआरपीएफ और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों की
टीम वहां पहुंची थी और सभी ने परिजनों की मौजूदगी में परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधा और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। और वहां सलामी देने के बाद दोनों शहीदों के शव को उनके पैतृक गांव सुकन राम का पैतृक गांव। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात सामने आ रही है, जो शहीद के परिजन है या फिर जो पुलिस मेंस एसोसिएशन है वो दोषी अपराधियों पर कार्रवाई की मांग कर रही। प्रभाव, जो परिजन हैं और मेंस एसोसिएशन के अधिकारी हैं वो दोषी अपराधियों के साथ साथ जो नक्सली हैं उन पर कार्रवाई के साथ साथ जो इन जवानों को नक्सलियों के गढ़ में अभियान चलाने भेजे थे पदाधिकारी, उन लोगों के विरुद्ध भी जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले पूरे मामले में पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारे जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो पूरे प्रदेश के पुलिस एसोसिएशन मेंस एसोसिएशन के जवान चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा सरकार और सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत तमाम जानकारियों के लिए।